हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको YouTube प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप YouTube पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए GS के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स है जैसे CSAT की, आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है प्रॉपर तरीके से, आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पर भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। गाइज वेलकम बैक, सॉरी टू इंटरप्शंस। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी चला गया था और इसकी उसका मेरे पास पावर बैकअप नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव फेस दिस इंटरप्शंस, रुकावट के लिए खेद है। हाँ, तो आगे हम बढ़ते हैं। हमने देख लिया था कल जो बात कर रहे थे नेटिव, हमने सॉरी अभी हमने जो फर्स्ट अभी पहले सेशन में हमने बात की थी नेटिव इंटर जो एसोसिएशन था मद्रास, वो हमने देखा था। इसके बाद हमने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन यूके में दादा भाई नौरोजी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और क्या आगे बढ़ लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट को मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बताना कि भारतीयों की क्या समस्या है, उन्होंने सेंटर वहीं खोल दिया जहां पर अंग्रेज, सीधी सी बात है, दिया वहीं जलाया जहां पर जरूरत थी, ठीक है। तो उन्होंने इसके बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात हम करते हैं तो हमने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को देखते हैं। ही वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन, आगे चलकर ही विल बी वन ऑफ द ग्रेट लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द फर्स्ट सेशन। मतलब जो हम जो आपके 1885 से फर्स्ट सेशन देखने वाले हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, तो ये थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। आनंद मोहन बोस जो है इनके सहयोगी होते हैं, और ये एक संस्था है जो पहले
नेशनल लेवल पर वो काम करते हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले यही एक संस्था, आगे चलकर ये जो इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, वो संस्था जो है वो आपको देखने को मिलेगी, आगे चलकर मर्ज हो जाएगी इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो ये भी थोड़ा सा आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं और इस तरीके से जान सकते हैं। इन्होंने क्या बात की, इन्होंने जो है वो मैंने आपको जैसे बताया एक एक्ट आया था, ठीक है, आपके लिटन के समय पर, और लिटन साहब जो है वो क्या करते हैं, एक एक्ट लेकर आते हैं जिसमें सिविल सर्वेंट्स की एज जो है वो 19 इयर्स कर देते हैं और 21 साल से घटाकर, तो 21 से घटाकर 19 कर देते हैं। इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर वो क्या करते हैं, एक नेशनल मूवमेंट चलाते हैं। तो इस आधार पर हम उनकी कार्यशैली को समझ सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे, दे वर इन द फेवर ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल इंक्लूडिंग द इंपॉर्टेंट सोशल इशू, मतलब वो एक मजबूत संघर्ष के पक्ष में थे और सामाजिक मुद्दों को साथ में लेते हुए। जैसे आप देखेंगे, थोड़ा सा आप कनेक्ट करके देखिए कि सिविल सर्वेंट है हमारे आपके अरविंद केजरीवाल साहब, और अरविंद केजरीवाल साहब ने जो है उससे रिजाइन किया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे और सामाजिक मुद्दों को मिलाकर एक पार्टी बना दी, सेम काइंड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं क्या है। अब उनकी स्टाइल भी चेंज हो चुकी है, उन्हें भी पॉलिटिक्स आ चुकी है, वो आपने सीखा है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को आप कंपेयर करके देख सकते हैं, हमारे AK है ना, AK-47 है ना, हालांकि AK-47 कुछ और है, ठीक है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को मैंने यूज किया जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द पर्सन। आगे हम देखेंगे इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है वो क्या और क्या कर रही है, उसका योगदान है, उन्होंने विरोध किन किन चीजों का किया, ठीक है। तो इन्होंने विरोध किस किस चीज का किया, ठीक है, दैट मीन सिविल सेवा का जो एज है मैंने अभी अभी आपको बताया 21 से 19 वर्ष का कर दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और एक्ट लिटन साहब के द्वारा लाया जाता है, वो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये है कि हमारा जो न्यूज़पेपर आएगा, ठीक है, देखिए पहले क्या था, न्यूज़पेपर ने एक क्रांति ला दी, ठीक है, न्यूज़पेपर ने क्रांति क्या ला दी, क्योंकि सारी की सारी जो न्यूज़ हैं वो आपको क्या मिलने लगी हैं, वो आसानी से आपके डेली आपको मिल जाती हैं। पहले इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, ये न्यूज़पेपर लाने का श्रेय क्या होगा, न्यूज़पेपर के पीछे क्या है, प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था, ये आपको पता है, याद करिए, वो गुटखा पान मसाला, राष्ट्रीय गुटखा पान मसाला हमारे पोर्चुगीज, ठीक है, उन्होंने ही टमाटर ये सारी की सारी चीजें लेकर आए थे, और ये हमें प्रिंटिंग प्रेस लेकर भी आए थे, जिसके अवशेष आपको हर बिल्डिंग के कोने में देखने को मिल जाएंगे, वो है हमारा गुटका पान मसाला। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है, तो पुर्तगालियों को याद रखिएगा, है ना, और पान चबाते रहिएगा। तो न्यूज़पेपर जब आया तो लोगों को न्यूज़ डेली मिलने लगी, या वीकली मिलने लगी, या मंथली मिलने लगी, और इस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों में नेशनलिज्म क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। और इस नेशनलिज्म को खत्म करने के लिए, इस नेशनलिज्म को समाप्त करने के लिए लिटन क्या करता है, अपना जो है वो अप्रोच बनाता है कि एक काम करते हैं कि भारतीय लोगों को अंग्रेजी तो आती नहीं है, काम करो ये लोकल लैंग्वेज में सारे के सारे पेपर बंद कर दो, ठीक है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, न्यूज़पेपर में जो है अब केवल अंग्रेजी में छापे जाएंगे, कोई भी व्यक्ति जो है वो हिंदी बांग्ला या लोकल लैंग्वेज में नहीं छापेगा, मतलब हमारा न्यूज़पेपर अब जो है वो केवल और केवल इंग्लिश में आएगा। वी कैन से दैट, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ द एक्ट जिससे ये नेशनलिज्म, ये लोगों को फीलिंग्स ही डेवलप नहीं होंगी, और इस वजह से ये इस तरीके से करते हैं। अब क्या होगा, क्या इस बात को सुरेंद्रनाथ बनर्जी एक्सेप्ट करेंगे, नो, ठीक है, और इस तरीके से क्या होगा, खेला होबे दैट मींस, ठीक है, अब हम इसका विरोध करते हैं, और इस तरीके से ये अगेंस्ट, मतलब कुछ प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले एक संस्था के तौर पर काम कर रही है, और ये संस्था के तौर पर इस तरीके से काम कर रही है, ये थोड़ा थोड़ा हमने देख लिया है। आगे चलकर दैट इज गोइंग टू एंड with the establishment of the Indian National Congress, आगे चलकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी will be the most important leader of the Indian National Congress, and we will observe Indian national institutions, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो अभी हमने देखा, वो आगे चलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कई पार्टियां मर्ज हो जाती है ना, ठीक है, वैसे ही आप समझ लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो वी हैव सीन द लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस बिफोर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, और 19th सेंचुरी की शुरुआत में हमने देखा कि इन सारे की सारी इंस्टीट्यूशंस का एक मेन फोकस था, वो था एलीट क्लास, या कह सकते हैं आपका जो उच्च वर्ग है वहीं तक। क्या इसमें किसान शामिल थे, क्या इसमें आम आदमी शामिल था, क्या इसमें निम्न वर्ग शामिल था, क्या इसमें महिलाएं शामिल थी, ठीक है, क्या स्टूडेंट शामिल थे,
कोई नहीं था, ठीक है। तो हम यहां ऐसे कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में राजनीतिक संघों का चरित्र यदि हम देखें तो वे स्थानीय या क्षेत्रीय अमीर वर्ग तक ही सीमित था। क्षेत्रीय स्थानीय का मतलब है रीजनल, और रीजनल में हम देखते हैं कि वो केवल हायर सोसाइटी तक सीमित है, मतलब वो हमारे एडवोकेट साहब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो आज की डेट में इंजीनियर साहब बन चुके हैं, गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये देखा। दूसरा हम देखते हैं कि दे आर डिमांडिंग, वो क्या करते हैं, वो डिमांड किस तरीके से करते हैं कि पार्लियामेंट में अपनी डिमांड रखते हैं और याचिका रिक्वेस्ट, ठीक है, दैट इज द वे, ठीक है, ये इस तरीके से उनके रखा जा रहा था। अब वो अपनी डिमांड जो याचिकाएं रख रहे हैं कुछ इस तरीके से, और सरकार को बोलते हैं भैया कि हमारी मांगे पूरी करो। सरकार मांगे पूरी करेगी क्या, नहीं करेगी, ठीक है, या करेगी या जो कुछ भी करेगी, ऊपर से क्या कर दिया उन्होंने, रायदौर फैला दिया 21 से 19 और कर दिया, ऐसी कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फेस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री और भारतीय इतिहास का, एक बहुत ही रोचक और मनोरंजक जो है आपको देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे अप डाउन, ठीक है, बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। बट बिफोर गोइंग टू द फर्दर, ध्यान दीजिए, यू नीड टू रिवाइज प्रॉपरली रेगुलरली, अदरवाइज यू कैन नॉट कनेक्ट। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं और कहीं ना कहीं जो है उनका अटैचमेंट होता है, और इस तरीके से हमें थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। तो भाई मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी आप जितना भी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए ना, और कनेक्ट करते जाइए, जितना कनेक्ट करेंगे आपकी तरफ से भी रिस्पांस अच्छा आएगा और मैं भी आपको फिर उसी एनर्जी से आपको डिलीवर कर पाऊंगा। तो ये दोनों तरफ से कॉम्बिनेशंस जरूरी है, और मैं आपको बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, तो आपको क्या है वो आप आंसर देते रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कम से कम ये सेक्शन आपका पूरा अच्छी तरीके से हो जाएगा, यदि आपने रिवाइज नहीं किया है पुराना सेक्शन, तो आप डेली का डेली रिवाइज करते जाओ, डेली का डेली आप पढ़ते जाओ, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो अभी आप देखें कि इस समय की इंस्टीट्यूशंस जो 1885 के पहले बन रही हैं, उन सब का काम क्या है, थोड़े थोड़े प्रशासनिक सुधार करना। वो ये कहते हैं कि भाई भारतीय लोगों को आप पॉलिटी में भी लेकर आइए, भारतीय लोगों को आप एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेकर आए, भारतीय लोगों को आप जो है वो आपके कुछ राइट्स दीजिए, है ना, उनको शिक्षा का प्रसार करने दीजिए, उनको शिक्षा जो है देनी चाहिए। ये थोड़ा बहुत यहाँ पर इनकी डिमांड की जा रही है। इसके अलावा हम देखते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, इस समय तक आते आते तक भारत का एक वर्ग जो है वो शिक्षित हो चुका है। तो हमने देखा एडवोकेट साहब तो हैं ही, एडवोकेट साहब के साथ साथ कुछ लोग जो है पत्रकारिता में भी आ गए, कुछ लोग अंजना ओम कश्यप बन चुके हैं, कुछ लोग जो है आपके दीपक चौरसिया बन चुके हैं, मतलब ये केवल नाम उसके लिए उपयोग कर रहा हूं, ठीक है। और आप देखेंगे कि वो लोग जो है वो अपनी डिमांड पूरा करने लगे, मतलब वो क्या करने लगे, वो आपको आपको इनिशिएट कर रहे हैं कि देखिए ये सरकार है और ये सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही, सरकार को ऐसा करना चाहिए, इस सरकार को वैसा करना चाहिए। कुछ डॉक्टर लोग भी हैं, डीके गुलेरिया साहब जैसे, कुछ टीचर लोग भी हैं, कुछ शिक्षक जैसे, ये सारे के सारे वर्ग जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मिडिल क्लास जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एक शिक्षित वर्ग डेवलप हो रहा है, ठीक है। और ये शिक्षित वर्ग ही आगे चलकर क्या करेगा, आगे चलकर लीडर का काम करेगा। याद करिए वो स्लाइड जो हमने सबसे पहले देखी थी, वही झंडा लेकर सबसे ऊपर आगे देखने को मिलेंगे, और यही हमारे लीडर। Got it my points, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं, लोगों को पॉलिटिकल राइट्स, लोगों को सोशल रूप से गैदर करना, लोगों को कह सकते हैं कि अपने लिटरेचर्स, अपने बुक्स, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से बताना, उनके प्रति सजग करना, ये काम है आपका इन लीडर्स का, और ये लीडर्स कर रहे हैं। तो हमने कुछ लीडर्स के नाम देख लिए हैं ना, उनमें हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी को देखते हैं, आनंद मोहन बोस को देखते हैं, इस तरीके से हम समझ रहे हैं, द्वारकानाथ टैगोर को हम समझ सकते हैं, तो दीज आर द लीडर्स, ठीक है, राजा राम मोहन राय को भी हम इनिशियली कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो लोग जो है एक व्यापक एजेंडा, व्यापक प्रोस्पेक्टिव के थ्रू जो है वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुद्दे उनके हालांकि जो है वो आपके देखने को मिलेंगे लोकल ही है, करेक्ट है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये देखिए जो संस्थाएं जो हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की हैं, मैंने उनकी बात की है यहाँ पर, जैसे हम देखेंगे लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर, ये आपको टेबल्स वगैरह जो है मिल ही जाते हैं, ठीक है, तो मैं इसको भी वहां रख दूंगा। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ खास खास जो है, ठीक है, दैट मीन्स ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर, बाद में ये मर्ज हो जाती है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि बहुत सारे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, अभी हमने लंदन में देखा था। इसके अलावा हमने नेशनल इंडिया एसोसिएशंस, ठीक है, भी आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलती, बट हमने एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया है, हम हर पर नहीं जा सकते और उनको हम थोड़ा सा
समझने की कोशिश करते, तो हमने समझने में यही देखा कि वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं एक विशेष वर्ग या वहां तक आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये कुछ संस्थाएं हैं वो हमने यहाँ देख ली। अब हम बात करने वाले हैं आगे सेक्शंस की ओर, और आगे वाला जो सेक्शन है वो है हमारा क्या, वो हम देखते हैं। अब देखो, हमने देखा कि 1885 में हमारी एक संस्था बनेगी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये संस्था बनेगी 1885 में। ठीक है, अब 1885 में ये संस्था बनेगी, उसके पहले की सर्कमटेंसेस वो हमने देख ली है, मतलब रीजनल पार्टियां, रीजनल पार्टी मतलब लोकल मुद्दे। ठीक है, मतलब कोई अपने पानी के लिए लड़ेगा, कोई अपनी रोड के लिए लड़ेगा, कोई अपनी अलग अलग चीजों के लिए लड़ रहा है, कोई भी भारत की फ्रीडम के लिए नहीं लड़ रहा है, नेशनल लेवल की फ्रीडम्स के लिए नहीं लड़ रहा है। और नेशनल लेवल की फ्रीडम्स के लिए आपको जागरूक होना जरूरी है। और अब हम यहाँ देखने वाले हैं द पीपल आर गोइंग टू यूनाइटेड टिकट, वो एक नेशनल फ्लैग को लेकर चले। पहले हमारा फ्लैग क्या था, वो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था। नाउ दिस फ्लैग इज गोइंग टू कन्वर्ट इन इंडियन नेशनल फ्लैग। ठीक है, भारतीय जो आपका जो ध्वज है उसकी ओर बढ़ चुके हैं। और आप देखेंगे वहां पर सारे के सारे एक से ही दिख रहे थे, मतलब जमींदार जैसे दिख रहे थे। याद करो मैंने वो पिक्चर आपको बताया था। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें बूढ़े भी हैं, ठीक है, महिलाएं भी हैं, ठीक है, सिख कम्युनिटीज के लोग भी हैं, निम्न वर्ग के लोग भी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, बच्चे भी हैं, सारे के सारे लोग आ जाएंगे। तो पिक्चर थोड़ी सी चेंज नहीं हो गई है। इट मीन्स दैट मीन्स द पीपल आर गोइंग टू यूनाइटेड इन दिस सेक्शन, ठीक है, एंड दे विल फॉट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। और ये है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी तो जरा मुस्कुरा दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि भैया हाँ ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये हम देखने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग सेशंस। ठीक है, और वो है हमारा सबसे पहला भाग जिसको हम मॉडरेट के नाम से जानते हैं। 1885 से 1905 का समय होगा, द अर्ली नेशनलिस्ट कहा जाता है, उदारवादी कहा जाता है, नरमपंथी कहा जाता है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों का काल, जो कहना हो कह लीजिए। मैं जनरली एक टर्म यूज करूंगा, नरम या आपका मॉडरेट्स, गॉट इट माय पॉइंट्स, या लिबरल, है ना, ये मैं यूज करूंगा, तो आप कनेक्शन जोड़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेज जो है वो आपको देखने को मिलता है आपका मिलिटेंट वाला है। ठीक है, या कह सकते हैं उग्रवादी वाला कह सकते हैं, या एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं, नरमपंथी, अतिवादी चरण, आतंकवादी राष्ट्रवादियों का काल, जो कहना हो कह लीजिए। और वो हम केवल उपयोग करेंगे नरम और गरम। ठीक है, वो एक गाना आया था लूडो मूवी में, आपको यदि पता होगा, ठीक है, दुनिया की हवा कभी नरम तो कभी गरम, ठीक है, वो वाला हिसाब किताब, पूरा गाना मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ है। ठीक है, यहाँ पर नरम और गरम वाला सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक है बिल्कुल नरम, दैट मीन बिल्कुल सॉफ्ट, ठीक है, मदर टेरेसा टाइप से लोग हैं, और गरम मतलब एक है सन्नी देओल की आत्मा जिसमें आ जाएगी, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आई विल यूज द मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश में यूज करूंगा, और हिंदी में नरम और गरम। गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, इसके बाद भी हमें जो है आजादी नहीं मिली। अब देखो, मैंने आपको एक कनेक्शन भी बताया था, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इसको एक कहानी के तहत समझते हैं कि ये नरम और गरम का स्टेज क्या होता है। नरम गरम का स्टेज ऐसा होता है, मैं एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपने जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन बखूबी समझा था, तो ये वो समय आ गया कि मैं उसको दोबारा आपको बता दूं। होता ये है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि ए और बी, ऐसा समझ लीजिए कि दो दोस्त हैं, देयर आर द टू फ्रेंड्स, वन इज ए एंड द बी। ठीक है, अब होता ये है कि ए ने जो है ब्रिटिशर से कुछ पैसे उधार ले रखे हैं, लेट सपोज, ठीक है, 10,000, ठीक है, मान के चलिए मोटे तौर पर हम समझ लेते हैं 10,000 रुपए जो है इन्होंने उधार लिया है। अब होता क्या है, दोस्ती या फ्रेंडशिप में आप क्या करते हैं, फ्रेंडशिप में आप क्या बोलते हैं कि भाई हमारा जो है वो पैसा आप कब दोगे। ठीक है, बोला एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना बाद दे देंगे। तो ए इज डिमांडिंग द मनी, दैट मीन्स फ्रॉम द बी, ठीक है, जो उसने उधार दे रखा था। उधार कब दिया था, 1885 में दिया था, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, ये ए कोई और नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और ये बी कोई और नहीं हमारे अंग्रेज हैं, ठीक है, कैप्टन रसल, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए। अब होता ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या आपका वो फ्रेंड, वो ये क्या करता है कि डिमांड करता है कि भाई हमारे 10,000 रुपए हमें दे दो। ठीक है, अंग्रेज बोलते हैं ठीक है, अगले वर्ष ले लेना, अगले वर्ष ले लेना। इस तरीके से क्या होता है, करते 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 20 वर्ष का समय निकल जाता है। ठीक है, 1885 से 1905 तक का समय हो जाता है, और आपका वो दोस्त जो है वो एक कह सकते हैं कि दुबई के मॉल में आपको मिल जाता है, मतलब दुबई के मॉल में वो आपको देखने को मिल जाता है।
आप उस व्यक्ति को देखते हुए ये जानने में, दैट मीन्स कि बिल्कुल तुरंत ये बात समझ जाएंगे कि उसके हाथ में बहुत सारे बैग्स हैं और वो अभी अभी बहुत सारी शॉपिंग कर कर आ रहा है, मतलब लगभग लगभग 10 करोड़ की शॉपिंग करके आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि आपका वो फ्रेंड जो है वो आपको 10,000 रुपए नहीं दे पा रहा, लेकिन वो पैसे खर्च कर रहा है आपको। आपकी आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगी सन्नी देओल की आत्मा में, और आप जो है वो नरम से गरम हो जाएंगे। अभी आप लिबरल थे फर्स्ट फेज में, अब जो है आप गरम हो चुके हैं। यहां पर भी वही चीज हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डिमांड कर रही है फ्रीडम की, और वो फ्रीडम की डिमांड किससे कर रही है, ब्रिटिशर से कर रही है कि आप जो है प्यार मोहब्बत में हमें जो है आजादी दे दो, आजादी दे दो। ठीक है, हम जो है आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो है आपसे ठीक है डिमांड कर रहे हैं, हमारी याचना को आप एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं सुनते, और ये दुबई के मॉल में शॉपिंग करने चले जाते हैं। मतलब अंग्रेज आपको आजादी तो नहीं दे रहे हैं, और वो आपके बंगाल का विभाजन कर देते हैं, और बंगाल का विभाजन कब होता है, 1905। तो दुबई में शॉपिंग मॉल की घटना इज नथिंग बट दैट इज सिमिलर लाइक द सेपरेशन ऑफ द बंगाल इन द 1905 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कर्जन। कर्जन क्या करता है, ये डिमांड को या इन चीजों को बाइफरकेट करने के लिए, या इन चीजों को क्या कह सकते हैं, ठीक है, उनको माइग्रेट करने के लिए वो क्या करता है, बंगाल का विभाजन कर देता है। अब क्या होने वाला है, अब जो है वो नरम जो है वो गर्म हो जाएंगे, ध्यान देना, सन्नी देओल की आत्मा आ जाएगी, और अब आप किस चीज के लिए लड़ोगे, अब फ्रीडम स्ट्रगल्स के लिए लड़ोगे। बस हैंडपंप उखड़ नहीं वाला था, मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है, लेकिन हैंडपंप उखड़ने के बावजूद भी आपको देखने को मिलेगा आपके पैसे नहीं वापस आए और ना आपको आजादी मिली। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और ब्रिटिशर्स जो है वो दोस्ती दोस्ती वाला फेज चल रहा है ये, ठीक है, ये है थोड़ा सन्नी देओल वाला फेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद भी आपको आजादी नहीं मिलेगी। आजादी नहीं मिलेगी तो कौन आएगा, तब हमारा कैप्टन आएगा, और वो कैप्टन है हमारा महेंद्र सिंह धोनी, और वो कैप्टन दैट मींस द नेम इज कॉल्ड गांधी, और गांधी जो है वो 1919 में आते हैं। अब देखिए 1919 में तो क्या होगा, आपका वर्ल्ड कप शुरू होगा। वर्ल्ड कप कब शुरू होगा, वर्ल्ड कप 1919 में शुरू होगा, और हमारे गांधी जो है वो 3 वर्ल्ड कप खेलते हैं। पहला वर्ल्ड कप 1919 में होगा, एंड दिस वर्ल्ड कप नेम इज कॉल्ड द एनसी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरा है आपका CDM, ठीक है, दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक और होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये 3 वर्ल्ड कप जो है वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी मतलब हमारे गांधी जाते हैं, और वही जो है आपको दोबारा वर्ल्ड कप दिलाते हैं 24 वर्ष बाद, ठीक है, 24 या 28 वर्ष बाद, सॉरी, ठीक है, 2011 में आपको दोबारा वर्ल्ड कप जिताने का श्रेय महेंद्र सिंह धोनी को ही जाता है। सेम वैसे ही गांधी जो है वो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, ध्यान देना। तो ये वर्ल्ड कप आएंगे, समय के साथ आएंगे, और तब जाकर आपको फ्रीडम 1947 में मिलेगी, और इस तरीके से हम गांधी की बात करेंगे। अब देखो, जैसे वर्ल्ड कप खेलने के पहले आप नेट प्रैक्टिस करते हैं, गांधी भी यही करेंगे। गांधी विल बी लॉन्च इन द 1915, गांधी 1915 में भारत आ चुके हैं, लेकिन वो अभी तक नेशनल मूवमेंट में भाग नहीं लेते। 1919 तक क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे जैसे क्रिकेट टीम जो है सिस्टम में जाने के पहले नेट प्रैक्टिस करती है, किसी भी कंट्री में जाने के पहले नेट प्रैक्टिस किया जाता है। क्रिकेट से थोड़ा बहुत तो फैमिलियर होंगे आप लोग मेरे हिसाब से, तो यहां पर वही चीज हम देखेंगे। द गांधी इज गोइंग टू ऑब्जर्व इंडिया फ्रॉम द 1915 टू 1919, 1915 से 1919 तक जो है वो नेट प्रैक्टिस करेंगे। कहां करेंगे, 1917, ठीक है, दैट मींस वो पहुंच जाएंगे चंपारण। चंपारण में क्या होगा, आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा, चंपारण में इंडिगो के लिए एक रिवॉल्ट होने वाला है, और वहां गांधी जो है अपना मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं, और वहां पर वो जो है उस बैटल को जीत देते हैं, मतलब उस नेट प्रैक्टिस वाले मैदान वो वाले भाग को जीत लेते हैं, वो मैच जो है उन्होंने जीत लिया। इसके बाद वो अहमदाबाद पहुंच जाएंगे, दिस इज द सेकेंड नेट प्रैक्टिस, ठीक है, ऑफ द गांधी इन लीडरशिप ऑफ द महेंद्र सिंह धोनी, ऐसा हम कह सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू कंपेयर टू फेमस पर्सनालिटी वी कैन से दैट उनके जो काम है उसे हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द गांधी विल रीच द खेड़ा, एंड दीस काइंड ऑफ द 3 मूवमेंट्स वी विल ऑब्जर्व एज ए नेट प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू इंटर इन द नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। जो मेन हमारे जो मूवमेंट होंगे उससे पहले गांधी इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इससे पहले गांधी और नेट प्रैक्टिस करके आए, वो कहां करके आए, साउथ अफ्रीका में करके आए, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते गांधी और
महेंद्र सिंह धोनी को, दिस इज द क्वालिटी ऑफ द बेलीजेंट सीके। और गांधी जो है वो आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करता है कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, साउथ अफ्रीका की घटना आपको पता है, ठीक है, उसे ट्रेन से फेंक दिया जाता है, बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं आपको आपके देश से फेंक दूंगा, मेरे देश से मैं आप सबको फेंक दूंगा। और ये है नेट प्रैक्टिस की कहानी, ये है वर्ल्ड कप की कहानी, और ये है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी, जब आप देखेंगे ये नरम होगा, ये गरम वाला फेस होगा, और ये गांधी वाला फेस होगा, और इस तरीके से ये फ्रीडम स्ट्रगल चलने वाला है। थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा और समझ लेते हैं, ठीक है, और फिर हम जो है इसको सेक्शंस को आगे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसके नीचे हो रही हैं? एक अम्ब्रेला के नीचे हो रही है, जिसमें नरम भी है, जिसमें गरम भी है, जिसमें गांधीवादी भी है, जिसमें आपके बहुत से वर्ग हैं। और ये कौन है? ये है हमारा अम्ब्रेला, छाता वाला, ठीक है। और छाता वाला कोई और नहीं, ये ब्रांड है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें हर कम्युनिटी का वर्ग का लोग आ जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको। तो ये कैसे शुरुआत होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। बीच में आपको देखने को मिलेंगे रेनकोट वाले, और ये रेनकोट वाले कौन है? 1906 में आने वाले मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, दैट मीन्स रेनकोट में कितने लोग आते हैं? रेनकोट में केवल एक ही व्यक्ति आता है, और वो है आपका मुस्लिम कम्युनिटीज का। लेकिन अम्ब्रेला के नीचे तो हर वर्ग का व्यक्ति आ सकता है, और यदि आप बारिश में भीग रहे हैं तो आप दो चार लोगों को बचा ही सकते हैं बारिश में, वो बात लगेगी कि पूरा सेफ नहीं हो पाएगा, बट आप समझने की कोशिश करें ना, हमें यहाँ बारिश नहीं करानी, हमें यहाँ कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग जो है आगे चलकर क्या होगा, 1906 में अपनी फाउंडेशन रखेगा, वो किसके लिए लड़ेगा? केवल और केवल मुस्लिम वर्ग के लिए लड़ेगा। लेकिन इस रेनकोट में भी क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, ये रेनकोट भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, और आगे चलकर ये रेनकोट वाला क्या रेनकोट वाला जो है वो अम्ब्रेला के नीचे आ सकता है? आपका आंसर होना चाहिए यस, बेसिक कंसेप्ट है, आपने भी देखा होगा, ठीक है, किसी किसी आपके फ्रेंड का रेनकोट जो है वो डैमेज हो जाता है तो आपके साथ आ जाता है, ठीक है। यहां पर भी वही चीज है, 1916 में ये रेनकोट वाले मुस्लिम लीग को रियलाइज होता है कि हमारा रेनकोट फटा हुआ है और हमें कहीं ना कहीं अम्ब्रेला के नीचे आ जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और रेनकोट वाले का उद्देश्य क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन एमसी मजूमदार के नेतृत्व में होता है। ये कहानी आपने सुनी होगी, समझी होगी, और इसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट के नाम से, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक पैक्ट हो जाता है। आगे हम सब डिस्कस करने वाले हैं इन सारी चीजों को, आई एम जस्ट गिविंग सम काइंड ऑफ द सिनेरियो, मैं केवल एक उसका इंट्रोडक्शन आपको देने वाला हूं, ठीक है। दीस ऑल थिंग्स आर वेरी कोरिलेटेड, ठीक है। तो रेनकोट वाला कौन है, थोड़ा थोड़ा आपको किरदार समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी कौन है, हमारे गांधी हैं, ठीक है, गांधी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, गांधी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अरे भाई, जो व्यक्ति आपके नोट में पाया जाता है, ठीक है, हमारे देश का पप्पा है जो, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, मतलब कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वो तो नहीं, देश का पप्पा है, तो वो आप देखेंगे कि जीएस फर्स्ट, ठीक है, आप किसी भी पेपर में उठाकर देख लीजिए, वो जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, पहले पेपर में मिल जाएगा, दूसरे पेपर में आपको मनरेगा वाला मिल जाएगा, वो भी उसी के नाम पर रखा हुआ है, ठीक है ना, इथिक्स में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, अरे ये वो व्यक्ति है, जैन और बौद्ध ने तो क्या है, सत्य और अहिंसा बताया, ये वो व्यक्ति है जिसने उसका यूज किया है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल्स को खत्म करने के लिए उसने वेपन के तौर पर यूज किया है सत्य और अहिंसा को, ठीक है। तो जैन और बौद्ध तो केवल बताकर चले गए, ही वॉज द पर्सन हु यूज दिस काइंड ऑफ द थिंग्स, ठीक है, एंड वी कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ द हेलीकॉप्टर शॉट, गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी की मूवी में आपने देखा होगा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो अपने फ्रेंड से सीखा था, लेकिन उसको यूज किया उन्होंने वर्ल्ड कप में, ये वही कहानी है, दैट इज द सिस्टम ऑफ द गांधी। और गांधी ये सब चीजें कब होती हैं, तो इसमें एक नाम आता है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की यदि हम बात करें तो उसकी स्टेबलाइजमेंट कब होती, थोड़ा सा हम देख लेते हैं और फिर इस कक्षा को विराम देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं ये इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन, थोड़ा इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, फिर हम इस पर थोड़ा सा कल चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है उसके पीछे जो व्यक्ति हैं, फाउंडर हैं, वो है हमारे एलन ऑक्टोविन ह्यूम्स, ठीक है, इनको शॉर्ट में एओ ह्यूम कहा जाता है। ये है वो भाई साहब जिनके आधार कार्ड का फोटो मैंने यहाँ लगाने की कोशिश की है। ही वॉज द पर्सन बिहाइंड द फाउंडेशन ऑफ द
इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन के पीछे यही व्यक्ति है, ठीक है। जी हाँ, एक अंग्रेज, ठीक है, देखेंगे समझेंगे, आगे बात करते हैं। कब है इसका फाउंडेशन डे, इनका जन्मदिन कब है, दैट मीन्स 28 दिसंबर 1985 व्हाट इज माय पॉइंट, दिस इज द फाउंडेशन डे फॉर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सॉरी 1900 नहीं है एक्चुअली 1800 है, ठीक है, सॉरी माइनर मिस्टेक, ठीक है, वो जानबूझ के रख दिया है, थोड़ा सा ध्यान है ना, तो कई बार बच्चे नोट करते हैं तो वो क्या होता है कि सबको पता है 1885 बट गलती से वो क्या 1900 उसमें हो जाते हैं, और मैंने भी वही गलती कर दी, फटाक से मैंने 1900 बोल दिया, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे द फर्स्ट सेशन, ठीक है, द फर्स्ट सेशन दैट वॉज Organized on the foundation day of the 28th December to the 31st 1885 once again, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1885 में एक ये लगभग आपको ये देखने को मिलेगी, बॉम्बे में ये सेशन होता है, ये हम देखने वाले हैं। एंड द प्लेस नेम इज कॉल्ड द गोकुलदास तेजपाल कृष्ण संस्कृत स्कूल बॉम्बे, ठीक है, ये थोड़ा सा आप देखेंगे जगह है, ठीक है, फाउंडेशन है, ठीक है, फाउंडर कौन है, अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, सारी चीजों को हम आगे जोड़ देंगे और कहानी को समझ लेंगे। एंड दिस वॉज द टाइम ऑफ द डफरिन, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, उस समय भारत का वायसराय कौन है, ठीक है, तो आपको थोड़ा याद रखना होगा डफरिन, ठीक है, डफरिन के समय पर ही डफर लोगों की पार्टी बनती है, ऐसे याद रख सकते हैं, हालांकि डफर मतलब कौन है वो आपको सबको पता है, ठीक है, तो हमारे जो राहुल गांधी हैं उन्हीं की पार्टी की मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, और उन्हीं पार्टी की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, और उस तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी किस तरीके से होगी, है ना बात। हालांकि जो ये नेचर अलग है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेचर अलग है और अभी की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका नेचर अलग है, ठीक है, तो दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग्स, बट वी कैन कंपेयर द करंट सिनेरियो विद द डफर एंड डफर एंड डफरिन, वी नीड टू रिमेंबर दिस डफरिन, ठीक है, दैट इज द माय ऑब्जेक्ट ओनली, मेरा उद्देश्य केवल आपको यहाँ पर ये वायसराय को याद रखना है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाना चाहिए। अब ये एक आपके सामने एक पिक्चर है और ये पिक्चर में आप देखेंगे इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फी, है ना, वो आप जैसे कहते हैं ना ये एक ग्रुप सेल्फी है, ठीक है, लेकिन इस ग्रुप सेल्फी में भी क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं वो तो सामने देख रहे हैं, ठीक है, ये भाई साहब देख रहे हैं कि इधर कुछ है, ठीक है, ये भाई साहब थोड़ा नीचे की ओर देख रहे हैं, इनका स्टाइल कुछ अलग दिखाई दे रहा है, और ये देखिए लीजेंड कुछ स्टाइल से खड़े हुए हैं, एंड ये थोड़ा सा गौर फरमाएंगे ये व्यक्ति जो है वो कहाँ की ओर देख रहा है, इनका स्टाइल ही अलग है, ठीक है, तो ये कुछ उस जमाने की पिक्चर है जो ये बताती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन के समय पर इतने इतने सारे लोग जो हैं वो यूनाइटेड हुए थे और ये अपनी बात या अपनी डिस्कशंस को कर रहे थे, तो ये उस समय के मान के चलिए लीजेंड लोग थे उस जमाने में, ठीक है, और ये लीजेंड कैसे हुआ करते हैं ये आपको यहाँ की पिक्चरों से समझ में आ रहा है, ठीक है, ये लीजेंड जो है कुछ इधर तरीके से इनका स्टाइल अलग है, तो ये फोटो ये बताती है कि हम कह सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार वर्ग के लोग जो हैं वो इसमें मिले हुए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट फेज जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपका जो धर्मनिरपेक्ष है, इंग्लिश में इसको हम सेकुलर कहेंगे धर्मनिरपेक्ष जो होगा, थोड़ा सा आप स्टाइल को देखने की कोशिश करिए कि यहाँ पर पारसी कम्युनिटीज के लोग भी मिलेंगे आपको, यहाँ आपको बंगालीज भी मिलेंगे, आपको इंग्लिश भी मिलेंगे, आपको यहाँ पर आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग देखने को मिलेंगे, पारसी कम्युनिटीज भी मिलेगी आपको, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, आगे मैं आपको इसको डिस्कशन जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे, करेक्ट है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के पीछे हमने देखा कि ये व्यक्ति है एओ यूम्स, ठीक है, इसका पूरा पहला पुराना नाम होता है इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो नाम दिया गया था, बाद में दादाभाई नौरोजी, हमने देखा था दादाभाई नौरोजी वाज द पर्सन हु वाज बिलोंगिंग टू द लंदन, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो लंदन बेस्ड थे और उन्होंने बोला नहीं एक काम करते हैं इसको नया नाम देते हैं कांग्रेस, ठीक है, बोला कांग्रेस थोड़ा अंग्रेजी नाम लगना चाहिए, ठीक है, तो अब वही है, ठीक है, कोलगेट की जगह क्या है पतंजलि, आपको आपको थोड़ा यूज करना होगा वैसा है, थोड़ा सा क्या है, ठीक है, दैट मींस, ठीक है, या पतंजलि के लिए आपको कोलगेट यूज करना होगा, वी कैन से दैट कि थोड़ा सा ब्रांडिंग हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, ठीक है, ये क्या भारतीय राष्ट्रीय थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इन्होंने कांग्रेस शब्द जो है उसमें जोड़ा और इस तरीके से हम देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका नाम आता, बाकी पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अब थोड़े थोड़े अब देखो शुरुआत में इनिशियल लेवल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती थी, वो लिबरल थी, ये अभी अभी मैंने आपको बताया, लिबरल का मतलब है मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है नरम, और नरम मतलब दैट मीन्स, ठीक है, उदार, ठीक है,
और ये उदार हुआ करते थे, इनका जो तरीका है वो भी वैसा ही हुआ करता। वो क्या करते थे, साल में वर्ष में एक बार मिला करते थे, चाय बड़ा पाव खाया किया, ठीक है, दो तीन दिन का जो है वो तमाशा किया, तीन दिन का खेला किया, ठीक है, और उसके बाद क्या किया, ठीक है, बस उस तीन दिन के दौरान ही चिल्लाए, ठीक है, फ्रीडम फ्रीडम फ्रीडम, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, और उसके बाद जो है चाय बड़ा पाव नाश्ता करके क्या है, ठीक है, निकल लिए। उसके बाद फिर अगले साल मिलेंगे कब, 28 दिसंबर को जब हमारा फाउंडेशन हुआ था, फिर वही चीज, और इस तरीके से इन्होंने अपना टाइम निकाल दिया। हम ये याचना करेंगे, वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट दिस काइंड ऑफ द एप्लीकेशंस टू द इंडियन गवर्नमेंट एंड वी विल डिमांड लाइक दिस, ठीक है, हम इस तरीके की बातें करेंगे। तो इनके कई सेशन हुआ करते थे, कई इनके सत्र हुआ करते थे, और उस सत्र का एक अध्यक्ष हुआ करता था, और ये अध्यक्ष से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है सारे जो मेन मेन जो है उनको थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेना। ये इंग्लिश में है, ठीक है, कोई हिंदी में मतलब हो तो क्षमा करिएगा, ठीक है, मतलब मैं उसको भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन मत मान लेना, ठीक है। तो जनरली मैंने फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज कॉल्ड द WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखो बनर्जी भाई बंगाली भाई, ठीक है, और मुंबई में 1885 में ये फाउंडेशन रख रहे हैं, ठीक है, मतलब पहला सेशन होता है। दूसरा हम देखते हैं कि इस पर एक क्वेश्चन बनता है, एंड इट वॉज आस्क्ड इन द यूपीएससी, आई थिंक 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है वो है हमारे बद्रुद्दीन तैयब जी, और ये है हमारा 1887 का सत्र, मतलब कह सकते हैं 86 के बाद जो आता है तीसरा आता है, ठीक है, वहां से आप समझ लीजिए। 1886 की बात यदि करें तो नौरोजी साहब जो है उसकी जो करते हैं अध्यक्षता करते हैं, और नौरोजी भी यदि आप देखेंगे फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट है ना, तो पारसी प्रेसिडेंट में आपका नौरोजी का नाम आ जाएगा। 1886 में आप कंसेप्ट कन्वर्ट करके सके समझ सकते हैं, ठीक है। मुस्लिम प्रेसिडेंट बद्रुद्दीन तैयब जी, ये पूछा गया भाई, ठीक है, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछा गया है यूपीएससी ने कि भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा ही करके दिया, और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था। द फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, अंग्रेज, मैंने जैसे आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट फेज जो था वो धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर था, ईच एंड एवरी पीपल्स कैन पार्टिसिपेट, ठीक है, और यहाँ पर कुछ अंग्रेज भी आ रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द अंग्रेज, दैट इज जॉर्ज यूले, एंड ये जो है अलाहाबाद 1888 में इसकी प्रेसिडेंसी करते हैं। इसके बाद देखेंगे फर्स्ट वुमेन टू एड्रेस द सेशन, पहली महिला जो क्या कर रही हैं, वो सत्र में अपने पक्ष रख रही हैं या एड्रेस कर रही हैं या लोगों को बताने की कोशिश कर रही हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने लिया, तो कादम्बिनी गांगुली वॉज द लेडी बिहाइंड दिस काइंड ऑफ द सिनेरियो एंड द कलकत्ता वंस अगेन, ठीक है, गांगुली ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक गांगुली हमारे पास में क्रिकेट वाले, ठीक है, बीसीसीआई के अध्यक्ष एंड कलकत्ता 1890। पहली वुमेन प्रेसिडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, पहली महिला अध्यक्ष, और वो है हमारी एनी बेसेंट, डू यू रिमेंबर द लेडी बिहाइंड द थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में हमने देखा है, एंड थियोसोफिकल सोसाइटी वॉज स्टेबलाइज इन द 1875, डू रिमेंबर 1875 में एनी बेसेंट जो है वो इस संस्था, मतलब थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्था से जुड़ती हैं, और बाद में वो इंडिया आती हैं और इंडिया में ये सारी चीजें कर रही हैं, और बाद में यहां पर 1917 में उनकी नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में एक होम रूल लीग मूवमेंट चलाया जाएगा, और फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका रोल बढ़ेगा, तब जाके 1917 में ये सेशन में आती है। What are my points? ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं द प्रेसिडेंट मोस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये थी भैया वुमेन है ना, भारतीय, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पूछ ले जाते हैं, तो मैंने ये सारे फैक्ट्स यहाँ एक साथ रखने की कोशिश की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है, आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनी एग्जाम्स, ठीक है, तो इंडियन वुमेन जो है वो आपकी मिलेंगी सरोजनी नायडू, और सरोजनी नायडू जो है वो सेशन की अध्यक्षता करेंगी कानपुर में 1925 कानपुर का सेशन, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता करने वाली है सरोजनी नायडू। व्हाट इज माय पॉइंट, ठीक है, यदि आपको थोड़ा बहुत याद हो तो यही हमारी पहली महिला राज्यपाल भी होंगी, फर्स्ट वुमेन गवर्नर, ठीक है, महिला राज्यपाल, और ये कहाँ है, ये मिलेंगी आपको यूपी में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कनेक्ट भी कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड सिचुएशंस को समझने के लिए। प्रेसिडेंट्स ऑफ द मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम्स, ठीक है, कौन सा व्यक्ति जो है सबसे ज्यादा समय तक जो है वो आपका अध्यक्ष रहा है लंबे समय तक, तो उस समय है भारत में 1940 से 45 का समय,
अबुल कलाम आजाद जो है वो हमारे साथ रहेंगे, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं 1940 से 45 का समय, 1940 से 45 का समय भारत में एक बड़ा ही क्रूशियल समय होता है, और उस समय ट्रायंगल बनता है ब्रिटिशर्स, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। तो उस समय कांग्रेस इतनी ज्यादा बिजी होती है कि वो कोई सेशन ही नहीं करती, आप ऐसा समझ लीजिए। और जब कोई सेशन नहीं करती है तो 1940 में इन्होंने अध्यक्षता की थी और 45 तक ये रहते हैं, मोटे तौर पर ऐसा कह लीजिए कि इतने वर्षों तक जो है इनके हाथ में ही कमांड होती है। व्हाट इज माय पॉइंट्स, कि इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट्स को देख लिया है। और जब भारत आजाद हुआ, अब आप बोलेंगे, एक बच्चा बोलता है कि सर भारत आजाद हुआ, ठीक है, ये कब हुआ था, ये तो हमने लिखा ही नहीं। अरे बच्चे बच्चे को पता है भैया, 1947 में हम आजाद हुए थे, तभी तो हम जो है यहाँ पर एक आपको व्यक्ति पढ़ा रहा है इंडियन, ठीक है। आजाद ना हुए थे तो शायद एक अंग्रेज भी आपको पढ़ा रहा होता, ठीक है, और बहुत सारे अंग्रेज मुझे पढ़ रहे होते, ठीक है। तो ये हम ऐसा समझ सकते हैं, द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के समय हमारे गवर्नर, सॉरी हमारे जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो थे जेबी कृपलानी। तो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, मैं ऐसा मान लेता हूँ। और हमने क्या देखा, हमने एक छोटे से फैक्ट्स, छोटे से जानकारी अभी हमने हासिल की है, अभी हमने उन चीज़ों पर बिल्कुल बात नहीं की है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे हैं, ठीक है। तो हम उन पर थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशंस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की मूवमेंट की ओर बढ़ेंगे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की तीन फेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कनेक्शन जोड़ते रहिए और पढ़ते रहिए, और पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा, आपको रिवाइज हो जाएगा, आपका योगदान भी बहुत ज़रा रहेगा, और उससे क्या होगा, हमारी सीक्वेंस बनी रहेगी, ठीक है। तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशंस। अब इस कहानी को हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मदमस्त रहें, जबरदस्त रहें, गुड बाय, टेक केयर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस बताइए, यदि हो तो फिर हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।